प्रदेश सरकार महिलाओं और किशोरियों को शक्तिशाली बनाने के लिए मिशन शक्ति के तहत जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। महिलाओं और किशोरियों को जागरूक करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश की मंशा के अनुसार मैनपुरी में मिशन शक्ति के तहत एक बीए की छात्रा प्रियांशी सिंह ने रेलवे थाना का चार्ज संभालते हुए एक दिन के लिए पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालते ही प्रियांशी सिंह ने सर्वप्रथम अपने अधीनस्थ एक दिन के लिए कार्य करने वाली रेलवे पुलिस को एकत्रित कर देश के प्रति कर्तव्य निष्ठा का पाठ पढ़ाते हुए शपथ दिलाई। कोविड 19 के चलते वहां पर मौजूद बिना मास्क के लोगों के चालान काटे गए, तो वहीं उन्हें मास्क लगाने के लिए एक दिन की ऑफिसर बनी बिटिया प्रियांशी ने कड़ी हिदायत दी। साथ ही प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी भी रखी। मैनपुरी से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियांशी सिंह है। आज आप एक दिन के लिए एशो बनी हैं जीआरपी, कैसा फील कर रही हैं, कैसा महसूस कर रही हैं आज आप? फील तो मैं अच्छा कर रही हूँ, और मैं जब यहाँ पे आई, मैंने 10 बजे अपनी ड्यूटी ज्वाइन करी है। फिर उसके बाद हम लोग ने शपथ ली, आज संविधान दिवस भी है, इसलिए हमने शपथ ली। और फिर हम लोग उधर स्टेशन पे घूमने, मतलब वो रंग लेने गए, तो वहाँ पे देखा कि बहुत से लोग थे जिन्होंने मास्क नहीं पहना था, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं कर रहे थे, तो उनको एक वार्निंग दी हम लोगों ने और समझाया कि मतलब ऐसा ना करें, इसके बारे में थोड़ा उन लोगों को समझाया। और फिर जो वहाँ पे कुछ लड़कियाँ भी थीं, उनको हमने बताया कि वो महिला हेल्पलाइन के बारे में बताया उन्हें, और शक्ति मिशन चल रहा है तो उसके बारे में उन्हें समझाया। अब यदि इनको कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो वो हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकती हैं। हेल्पलाइन नंबर हमारी 1090 है, और 100 नंबर बहुत ही कॉमन लोगों को पता होगा, लेकिन तब भी एक बार बता दें उन्हें, और 181 है, ऐसी बहुत सी हेल्पलाइन नंबर हैं जिससे वो कॉल करके अपनी समस्या बता सकती है, और हम लोग उनको पूरा सपोर्ट करेंगे और उनको आश्वासन देंगे कि उनकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व की जाए। सुबह से आपने पदभार संभाला है, तब तक कितनी कंप्लेंट आ चुकी है आपके? कंप्लेंट अभी तक तो देखिए कोई नहीं आया है, इस बात की खुशी है कि मुझे कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि अगर जितना कम क्राइम होगा उतना ही अच्छा है, और क्या। अच्छा मैम, बात करें कोरोना पे, तो किस तरीके से लोगों के लिए जागरूकता करेंगे मैम? अगर कोरोना की बात की जाए, सबसे मेन है सोशल डिस्टेंसिंग वो रखें, और साफ सुथरा रहें वो लोग, और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क लगाएं, और अपना प्रॉपर मतलब टाइम पे अपना हाथ सैनिटाइज वगैरह करें, पर ये लोग नहीं करते हैं, वो बस एक फॉर्मेलिटी की तरह लेते हैं इस चीज़ को। आगे भविष्य में क्या बनने का ठाना है अपने? अगर मैंने भविष्य में चाहूँ तो एक मैं पुलिस वाली बनना चाहती हूँ, और मैं फील करना चाहती हूँ कि मतलब क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं एक दिन के लिए बनी हूँ, शायद उतना मैं नहीं एक्सपीरियंस कर पाती हूँ जितना जो पूरी लाइफ टाइम के लिए इंसान करता है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस फील्ड में आगे बढ़ूँ। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.